हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हुए हैं अपना रिसर्च करने। जैसे कि हमारे पास ECM है एक 1755 का महिंद्रा का, जिसमें महिंद्रा की बुलेरो मैक्सी ट्रक की फाइल लगी हुई है। तो आज हम आप सभी को उसकी फ्लैशिंग करके दिखाएंगे, उसको हम जैलो में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। हमारे अर्शद भाई आए हुए हैं, है ना। तो हमारे पास टूल है एक्स टूल का S6 Elite। तो चलिए, हम आपको हमारा सेटअप रेडी है पूरा। कैनवॉक्स 2 हमने लगा के रखा हुआ है, ECM हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, इमो हमने कनेक्ट किया हुआ है और साथ ही साथ स्कैनर भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगली स्क्रीन में आपको दिखेगा कि हम फ्लैशिंग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कैनवॉक्स 2 यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। स्मार्ट कैन सॉल्यूशंस का पावर सप्लाई दी हुई है। जैसा कि आप देखें, यहाँ पे हमने महिंद्रा का ECM कनेक्ट करके रखा हुआ है, इमो कनेक्ट करके रखा हुआ है, साथ ही साथ हमने स्कैनर को भी कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इसको डायग्नोसिस करके दिखाते हैं। चलिए, आप हम डायग्नोस करते हैं। ये ECM फोन से आपको बताया जाएगा। ये बुलेरो का मैक्सी ट्रक प्लस है, इसमें देख लीजिए अपने DTC आ गया है। अब इसको हम फ्लैशिंग करेंगे महिंद्रा जाइलो में। ये हम महिंद्रा जाइलो की फाइल अब फ्लश कर रहे हैं। डाउनलोड हो गया है। ये देखिए, अब पुरानी फाइल इरेज हो रही है, अब नई फाइल डलेगी इसमें। ये प्रोसेस अपना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, अब अपना प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है। ये इसकी फ्लैशिंग हो गई है अपनी। ये अपना प्रोसेस फिर से चालू हो गया है। देखिए, अब बस प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है। ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इग्निशन ऑफ करने बोल रहा है 40 सेकंड के। इग्निशन ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑन करते हैं। ये हम अपन जाके ऑन पे स्कैन करते हैं। और अब हम डायग्नोस करेंगे। हमने जाइलो में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब जाइलो में स्कैन करेंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं, अपना DTC आ चुका है। ये कुछ फॉल्ट कोड है, इसको अपन क्लियर करते हैं। देखिए, अब सब क्लियर है। अपना महिंद्रा की फ्लैशिंग हो चुकी है। अपन ने बुलेरो को कन्वर्ट कर दिया है जाइलो में। ठीक, अपन चलिए अब हम की प्रोग्रामिंग कर देते हैं इसकी। क्या इसकी चेक लाइट ब्लिंक कर रही है? देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे ये ऑन ऑफ हो रही है ना। चलिए, अब की प्रोग्रामिंग इसकी करके देखते हैं। ये महिंद्रा, ज-
जैसे कि क्या हम इसका फ्लैशिंग किए थे, तो हम की प्रोग्रामिंग में एक बार रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो इमोबिलाइजर में जाके ऑटो आइडेंटिफाई, ठीक है, ये अपन की प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, वेदर टू रीप्रोग्राम ऑल की, ठीक। ये जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट की वॉज सक्सेसफुली प्रोग्राम, वेदर टू प्रोग्राम सेकंड की, तो अपने को दूसरी की नहीं बनाना है इसलिए अपन कैंसिल कर दे रहे हैं। सक्सेसफुली इग्निशन बंद करने बोल रहे हैं, ठीक है, अपन इग्निशन बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपना अब आप देख सकते हैं अपना काम अब हो चुका है। ये अब चेक लाइट आना बंद हो गई, अपना सेटअप पूरा हो गया, ठीक।